संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने का मतलब नहीं क्राइम बढ़ा है, क्योंकि पहले हिम्मत नहीं करते थे FIR लॉन्च करने की, आते नहीं थे थाने में भाई कि जाएंगे तो सुनवाई तो होगी नहीं। अब सुनवाई भी हो रही है, FIR लॉन्च भी हो रही है, उसके कारण संख्या बढ़ रही है तो उसकी आलोचना कर रहे हैं लोग। गृह मंत्री कम से कम गृह मंत्री थे वो जी, उनको चाहिए था कम से कम वो FIR कंपनी की जो हमने प्रयोग किया उसके ऊपर बोलते हुए कहते कि मैं इसको एग्जामिन करा के पूरे मुल्क में लागू करवाऊँगा। तो आप समझ सकते हो गृह मंत्री के दिमाग में ये बात भी अगर नहीं आए तो हम क्या उम्मीद करें उनसे। और फिर जो किसानों की बात उन्होंने करी है कर्जा माफ के लिए, तो एकजुट को स्वभाव बोलो तो सच दिखाई देता है। उस थोड़ी पे बीजेपी चल रही है, हमारे यहाँ के नेता भी और गृह मंत्री भी। हमने 22 लाख किसानों के कर्जे माफ़ किए, इनको दिखता नहीं है। वसुंधरा जी ने सिर्फ 50,000 रुपये के कर्जे माफ़ किए थे और वो भी हमने चुका है उनका, तो सरकार चली गई थी। उन्होंने सिर्फ 50,000 का कर्जा माफ़ किया, हमने अनलिमिटेड किया, 2 लाख था, 3 लाख था, 4 लाख था, पूरा माफ़ किया, 22 लाख किसानों को फ़ायदा पहुँचाया। क्योंकि गृह मंत्री का जो दौरा था वो टोटली राजस्थान के मुख्यमंत्री को कह रहे घेरें, उनके जिले में कह रहे प्रोग्राम करें, और झूठ आधारित और धर्म आधारित राजनीति करके कैसे लॉन्च करें चुनाव के लेके, अगले चुनाव को लेके। ये घबराए हुए लोग हैं क्योंकि इस बार पब्लिक का मूड जो है मुझे लगता है कि सरकार रिपीट करने का है। CBI, इनकम टैक्स, ED को तो इन्होंने हथियार बना रखा है देश के अंदर, तो ये स्थिति इनकी है। और गृह मंत्री का बोलना हो या प्राइम मिनिस्टर का बोलना हो, अभी जो बोल रहे हैं वो और उनके नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का, सभी लोग जो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है उससे बुखला करके लोग सब काम छोड़ करके उसी पर अटैक कर रहे हैं। इनके पास कोई काम दूसरा ही नहीं क्या? भारत जोड़ो यात्रा तो कांग्रेस की है, वो अपना काम करे, अपना काम करे, इनको क्या तकलीफ हो रही यात्रा से? एक T-shirt को लेके बोल रहे हैं, अरे भाई इनके चश्मे 2.5 लाख रुपए के हैं, ये मफलर 80,000 का मफलर है जो हमारे गृह मंत्री लगाते हैं, तो ये इस प्रकार की बातें बोल के, ये मफलर 80,000 का मफलर है जो हमारे गृह मंत्री लगाते हैं, तो ये इस प्रकार की बातें बोल के क्या चाहते हैं? T-shirt में राजनीति कर रहे हैं लोग। वास्तव में चिंता का विषय बना हुआ है। कल ही मैंने पटमेड़ा के जो हमारे वहाँ पे प्रबंधक है गौशाला, उनसे बात भी मैंने करी है, और हमारे जो गौशाला के मंत्री है प्रमोद भाई, उन्होंने बात करी है। 9 महीने का दे रहे हैं अनुदान, दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा डिसीजन है। और कल ही हमने अनुदान को रिलीज भी किया है उनको, और लंपी क्योंकि वैक्सीन नहीं है, दवाएं नहीं मिलती है, तो आयुर्वेद का भी है, होम्योपैथी का है, जो कर सकते हैं कोई कुछ करें, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे बिना कोई लॉबिंग के। कोई नहीं कह सकता कि मैंने लॉबिंग की इनके लिए। तो इस प्रकार से अगर मैं लकी हूँ कि मुझे इतना विश्वास किया पार्टी ने, हाईकमान ने मुझ पर विश्वास किया, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि संकट की घड़ी के अंदर पार्टी जो हुक्म देगी वो मैं करूँगा। अब उसमें कोई पूछने जूत नहीं, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बोले वो केरला हो, चाहे बोले